भारत की प्रमुख एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो 2021 मॉडल को अब लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि महिंद्रा अपनी न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को अब लॉन्च करने वाली है आने वाले कुछ महीनों में, और जल्द ही इससे पर्दा उठाया जाएगा। और एक नई खबर भी सामने आई है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने न्यू जनरेशन मॉडल के साथ एक नया बेस वेरिएंट मॉडल भी लॉन्च करेगी, जो उससे छोटा और शानदार फीचर्स के साथ कम कीमत में आएगा। बताया जा रहा है ये न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो का बेस मॉडल काफ़ी हद तक उसी के जैसा दिखने में रहेगा, बस ये इसका साइज आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है इसकी लॉन्चिंग डेट सितंबर या तो अगस्त के आसपास बताई जा रही है। अगर हम बात करें न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के इस नए मॉडल के बारे में, तो इसमें आपको कई सारे शानदार फीचर्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और एक ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। हाल ही में आजकल मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी ज़्यादा बिक्री है, इसको देखते हुए महिंद्रा भी अब अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नया मॉडल लेके आ रहा है। जानकारी के अनुसार इस अपकमिंग एसयूवी कार में आपको डुअल बैरल एलईडी हेडलैम्प, सी शेप्ड एलईडी डीआरएस के साथ एक नया ब्रांड फ्रंट में मस्कुलर बम्पर देखने को मिलेगा। साथ ही गाड़ी में आपको नए तरीके के 18 इंच के अलॉय व्हील्स और एलईडी टेल लैंप्स जैसे शानदार फीचर्स और डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है इसके डिज़ाइन काफ़ी हद तक शानदार न्यू जेन महिंद्रा के मस्कुलर डिज़ाइन से मिलता रहेगा। गाड़ी में फिर आपको इंटीरियर में अगर हम बात करें, तो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि ऑटो एसिस, सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स के साथ आने वाला है। उसके साथ ही गाड़ी में आपको फुल्ली एमिशन लाइटिंग, सनरूफ और लेदर सीट्स के साथ डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। गाड़ी में आपको 5 से 6 सीटर कैपेसिटी देखने को मिलेगी, और टॉप मॉडल में आपको 7 से 8 सीटर कैपेसिटी देखने को मिलेगी। वहीं पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें आपको कई सारे एयरबैग्स के साथ EBD और ABS देखने को मिलेगी। इस अपकमिंग नए जनरेशन कॉम्पैक्ट मॉडल में आपको थोड़ी कम पावर देखने को मिलेगी, पर आपको वही एमहॉक इंजन देखने को मिलेगा पर 1.5 लीटर की क्षमता के साथ। और साथ ही गाड़ी में आपको 110 PS की पावर और 150 Nm का टॉर्क देने वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 6 स्पीड मैनुअल और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आने वाला है। भारत में इस न्यू जनरेशन 2021 स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट मॉडल की कीमत बताई जा रही है कि 4 लाख रुपए एक शोरूम शुरू होगी, जो कि 10 लाख रुपए तक जाएगी, और टॉप मॉडल की कीमत 11 लाख से शुरू होगी, जो कि 16 लाख रुपए तक जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो दोस्तों, अपनी राय अपनी जगह का हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। आपको न्यू महिंद्रा का नया स्कॉर्पियो मॉडल कैसा लगा, क्या आप इसको बुक करवाना पसंद करेंगे? अपनी राय अपनी जगह का हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा जल्द से जल्द। तो आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 700 लाइक का, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप भी इस महिंद्रा की स्कॉर्पियो को बुक करवाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।